नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। शारदीय नवरात्र की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं और जिसकी तैयारियां जिले भर में काफी तेजी से चल रही हैं। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल में नवरात्र की तैयारियों को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं और वहीं माता की झांकियों को संवारने के लिए काम काफी तेजी से चल रहा है। नवरात्रि पर न्यू मार्केट में श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे और इस मौके पर व्यापारी दुर्गा समिति के लोग यहां पर 25,000 रुद्राक्ष भी बांटेंगे। आपको बता दें यह रुद्राक्ष नेपाल से मंगाए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिच्छन मार्केट में नर्मदा परिक्रमा स्थल तैयार किया जा रहा है और इस परिक्रमा स्थल के लिए 51,000 लीटर नर्मदा का जल टैंकर के माध्यम से नर्मदापुरम से भोपाल लाया जाएगा। आपको बता दें इस झांकी में कपिलधारा के रूप में मां नर्मदा शिव भगवान का अभिषेक करते हुए नजर आएंगी। यह झांकी काफी ज्यादा रोचक होने वाली है और जिसके लिए श्रद्धालु अभी से उमड़ने लगे हैं। ताजा खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज में।